विश्व कप का आगाज भारत में 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। आपको बता दें कि विश्व कप को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल फैंस के बीच बना हुआ है, वो है इस प्रतियोगिता की टिकट कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ICC और BCCI ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल में विश्व कप की टिकट मिलने से पहले 15 अगस्त के दिन ICC की आधिकारिक वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके तहत सभी को टिकट प्राप्त होंगी। टिकट खरीदने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ICC के आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप टिकटों का रजिस्ट्रेशन भारतीय समय अनुसार 15 अगस्त दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो गया है। अगर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है तो इसमें कुछ बेसिक जानकारियां जैसे नाम, पता, देश, इन सभी को भरना होगा। ICC और BCCI ने 2023 के लिए ऑनलाइन टिकटों का ऐलान किया है, लेकिन मैच देखने के लिए हार्ड कॉपी ले जानी होगी। बताते चलें कि जब मैच शुरू होगा तो उससे पहले एक काउंटर होगा जिस पर सभी दर्शकों को हार्ड कॉपी टिकट की मिल जाएगी, जिसे दिखाकर वो स्टेडियम में एंट्री ले सकते हैं और मैच का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा टिकट का प्राइस क्या रहेगा, इस बारे में अभी भी कोई घोषणा नहीं हुई है। जैसे जैसे प्रतियोगिता नजदीक आएगी, जिस जिस शहर में वर्ल्ड कप के मैच होंगे वो सभी शहर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा। वहीं आपको बता दें कि 5 फेज में टिकटों की बिक्री होगी। आपको बता दें कि 25 अगस्त से टिकट की खरीदारी शुरू हो जाएगी, वहीं टिकट मिलना 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा। बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया व अफगानिस्तान के मैच की टिकटें 31 अगस्त को प्राप्त होंगी। वहीं अगले फेज की बात करें तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की टिकट 1 सितंबर को, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड की टिकट 2 सितंबर को और पाकिस्तान के मैच की टिकट 3 सितंबर को मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल की टिकटों की बात करें तो वो 15 सितंबर से मिलनी शुरू होगी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से इस विश्व कप का आगाज होगा। वहीं भारत इस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से करेगा। हाल ही में विश्व कप का नया शेड्यूल सामने आया है, जिसमें 6 मैचों में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि ये इसलिए हुआ है, आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए विश्व कप के शेड्यूल में बदलाव किया गया है, जिसके तहत भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो पहले 15 अक्टूबर को खेला जाना था वो अब 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।